हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद जकरिया। एंड टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बैंक ऑफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट गिवन बाय द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड सो मेनी वीडियोस ऑन क्वेश्चन बैंक, एंड इन दिस वीडियो वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2, गिव ज्योग्राफिकल रीजंस। सो फ्रॉम 1 to 11 to 20, फ्रॉम 1 to 10 आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन वीडियो नंबर 10। सो दिस इज द वीडियो नंबर 11। सो इन दिस वीडियो वी विल सी द ज्योग्राफिकल रीजन फ्रॉम ज्योग्राफिकल रीजन नंबर 11 to 20। सो लेट्स सी फ्रॉम 11 नंबर। पॉपुलेशन में इंक्रीज दो बर्थ रेट्स आर लो। जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो सकती है अगर बर्थ रेट लो भी रहा तो, उसके रीजंस देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑकर्स नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट बट ऑल्सो ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट। सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन बर्थ रेट इंक्रीज होने की वजह से नहीं बढ़ती है, बल्कि डेथ रेट डिक्रीज हो जाता है तब भी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। नंबर 2, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल इज इंक्रीजेस ड्यू टू हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। हेल्दी इन्वायरमेंट इंक्रीजेस द पॉपुलेशन। सो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज हो गई है, लोग जो है ज्यादा क्वालिफाइड हो गए, हाई क्वालिटी लाइफ है उनका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई है, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई है, जिसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एवरेज वो लोगों की ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। नंबर 3, समटाइम्स द पॉपुलेशन में इंक्रीजेस ड्यू टू माइग्रेशन, और माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है। नंबर 4, माइग्रेशन ब्रिंग्स चेंजेस इन द पॉपुलेशन। इफ पीपल माइग्रेट टू ए रीजन द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन विल इंक्रीज। सो माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। अगर कोई माइग्रेशन कर कर किसी नए एरिया में चला आता है तो उस नए एरिया की जो पॉपुलेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के बहुत सारे लोग जो है अदर पार्ट से माइग्रेशन कर कर वो मुंबई में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। नंबर 5, द पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन रिसिपियंट रीजन। तो जिस जगह पर लोग माइग्रेशन करके आकर सेटल हो जाते हैं उसे कहा जाता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, या उसे रिसिपियंट रीजन कहा जाता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। नंबर 6, फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम कोंकण माइग्रेटेड टूवर्ड्स द मुंबई एंड इंक्रीजेस द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई। नंबर 12, पॉपुलेशन डेंसिटी इज ए फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ ए रीजन। सो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये एक तरह का फंक्शन है पॉपुलेशन का और एरिया का उस रीजन के, तो किस तरह से है उसका रीजन देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड पॉपुलेशन कैन बी अंडरस्टूड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल लिविंग इन ए रीजन बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया। दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जो पीपल जो है पॉपुलेशन वो यूनिट एरिया में उनकी डेंसिटी कितनी है इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन जो है डेंसिटी हाई है, लो है या मॉडरेट है। तो सिर्फ हम ओवरऑल पॉपुलेशन के नंबर्स को नहीं देखते, बल्कि उसका जो लैंड सरफेस एरिया है, जो भी रीजन है उसकी साइज कितनी है, और उस रीजन के अंदर उस लैंड सरफेस के ऊपर कितने लोग जो है वो रहते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो मेजर करते हैं किसी भी रीजन की। तो इस तरह से एक यूनिट एरिया के अंदर ऊपर रहने वाले लोगों को कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। नंबर 2, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, जिसके लिए हम एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू
टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो उस पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है, उसमें जितनी भी पॉपुलेशन है उसके नंबर्स लेते हैं हम टोटल पॉपुलेशन की, उनकी काउंटिंग, और जो एरिया की साइज है स्क्वायर किलोमीटर में उससे हम डिवाइड कर लेते हैं इस पॉपुलेशन को, तो हमें उस रीजन की पॉपुलेशन डेंसिटी का आंसर पता चल जाता है इस फॉर्मूले के थ्रू। नंबर थ्री, मोर द एरिया फॉर ए गिवन पॉपुलेशन लेस इज द डेंसिटी। अगर एरिया बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन कम है वहाँ पर, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो रहेंगी वो कम रहेंगी, एज पीपल हैव मोर लैंड टू रिसाइड इन, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ज़्यादा है। नंबर फोर, लेस द एरिया फॉर ए गिवन पॉपुलेशन मोर इज द डेंसिटी एज पीपल हैव लेस लैंड टू रिसाइड। तो अगर एरिया बहुत ही कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तब वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो रहेंगे वो हाई रहेंगी, क्योंकि एरिया कम है यहाँ पर लेकिन उसमें रहने वाले लोग जो है नंबर्स उनके बहुत ज़्यादा है नंबर्स, तो इसलिए यहाँ पर अब पॉपुलेशन डेंसिटी जो रहेंगे बहुत हाई रहेंगे इस तरह से, लेकिन एरिया उसका लिमिटेड है तो इसलिए डेंसिटी बढ़ जाएंगी वहाँ पर पॉपुलेशन। तो इस तरह से अगर एरिया ज़्यादा है पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर लेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रहेंगी, बट अगर एरिया बहुत कम है लेकिन नंबर्स ऑफ पीपल वहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज 32.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया एंड सपोर्ट 135.3 करोड़ पॉपुलेशन, वेयर एज ब्राज़ील ऑक्यूपाइज 85.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया एंड सपोर्ट्स 20.9 करोड़ पॉपुलेशन, सो द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज मोर देन ब्राज़ील। तो यहाँ पर अगर हम एरिया देखें इंडिया और ब्राज़ील का, तो इंडिया का एरिया ब्राज़ील के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, ब्राज़ील जो है उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, बट अगर पॉपुलेशन देखें हम यहाँ पर इंडिया की ब्राज़ील से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि कम एरिया में इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं और ब्राज़ील में एरिया ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पर ब्राज़ील की पॉपुलेशन डेंसिटी ये बहुत लो है और इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, एरिया कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंडिया की ज़्यादा है। Hence, we can say that population density is a function of population and area of a region. Number 13, less population is engaged in agriculture in developed countries. तो जो developed countries होती है वहाँ की population बहुत ही कम engaged रहती है agricultural activity के अंदर, उसके reason देखेंगे हम। Answer, point number 1, in developed countries परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर इज लो एज कम्पेयर टू लेस डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्रीज। अगर हम लेस डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज को देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज है यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग बहुत ही कम होते हैं। नंबर 2, इन डेवलप कंट्रीज मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज। तो यहाँ पर डेवलप कंट्री की ज़्यादातर पॉपुलेशन इंगेज होती है सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज के अंदर। नंबर 3, द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ डेवलप कंट्रीज इज नॉन एग्रीकल्चरल, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री, ट्रेड एंड सर्विसेज। तो जो चीप ऑक्यूपेशन है डेवलप कंट्रीज के लोगों का वो नॉन एग्रीकल्चरल फील्ड से आता है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है, ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर में वो ज़्यादातर इंगेज है बाकी पॉपुलेशन। नंबर 4, द मेजर फंक्शन ऑफ डेवलप कंट्रीज आर ट्रेड्स एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स ये मेजर फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, ये मेजर फंक्शन है डेवलप कंट्रीज़ के, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यहाँ के लोग जो है बहुत ही कम इंगेज होते हैं। नंबर 5,
ए डेवलप इकोनॉमी विथ इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन अकोमोडेटेड मोर वर्कर इन द सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर्स। तो यहाँ की जो डेवलप इकोनॉमी जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, ये सब लोगों को बढ़ावा देता है, वर्कर को बढ़ावा देता है सेकेंडरी एंड टर्शरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर में एंगेज होने के लिए। नंबर 14, लिटरेसी रेट ऑफ ए कंट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किसी भी कंट्री का जो लिटरेसी रेट रहता है, ये एक तरह का इंडिकेटर होता है वहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करने का। तो उसका रीजन देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो लिटरेट पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन रहता है वो एक इंडिकेटर रहता है वहाँ की सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। नंबर 2, इट रिवील्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर वहाँ पर लिटरेट पॉपुलेशन ज़्यादा रहेंगी किसी भी कंट्री के अंदर, तो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रहेगा हाई रहेगा, सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल ये भी बहुत बेटर रहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी जो है वो फेवर करती है एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। नंबर 3, द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ ए कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिटरेसी रेट। जो एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये पूरी तरह से डिपेंड होता है वहाँ की लिटरेट पॉपुलेशन के ऊपर। जितना ज़्यादा लिटरेसी रेट रहेगा उतनी ज़्यादा उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, क्योंकि उतने ज़्यादा उन्हें स्किलफुल जो है वर्कर मिलेंगे जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इसी की वजह से पूरा जो फ्यूचर रहता है किसी भी कंट्री का वो लिटरेट पॉपुलेशन के ऊपर, क्वालिफाइड पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 4, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सिटीजन इज वेरी वेल। तो जो डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज है यहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो हाईएस्ट है, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत अच्छी पाई जाती है, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सिटीजन ये भी बहुत वेरी वेल वहाँ पर मौजूद है लोगों का। नंबर 5, द लोएस्ट लिटरेसी रेट इज फाउंड इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। तो जहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा है उन एरिया के अंदर हमें लिटरेसी रेट जो है बहुत ही कम दिखाई देता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लिटरेसी रेट। तो जितने जहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है वो डेवलप कंट्रीज है, जहाँ पर लिटरेसी रेट कम है वो लेस डेवलप कंट्रीज है। तो इस तरह से लिटरेसी रेट जो है किसी भी कंट्री का एक इंडिकेटर होता है वहाँ की सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। नंबर 15, डेमोग्राफिक डिविडेंड इंक्रीजेस व्हेन प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो बेनिफिट मिलता है जितने भी सिटीजन्स है कंट्री के, रीजन के, ये प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज होने पर बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदा मिलता है। इसका रीज़न देखेंगे हम। द रेशियो बिटवीन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग डिपेंडेंट पॉपुलेशन डिटरमाइंस हाउ प्रोडक्टिव द कंट्री इज इकोनॉमिकली। यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है और जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, इनका जो रेशियो होता है यही डिसाइड करता है कि उस कंट्री का जो इकोनॉमी है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कितने हद तक प्रोडक्टिव रहेंगे, कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उस कंट्री के सिटीजन को, ये वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन के ऊपर। नंबर 2, ए लार्जर साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 50 to 59 years इंडिकेट्स द चांसेस ऑफ हैविंग ए लार्जर इंडिपेंडेंट वर्किंग पॉपुलेशन। अगर कंट्री के अंदर 15 to 59 years की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करते हैं डेवलपमेंट को, क्योंकि 50 to 59 years की जो पॉपुलेशन होती है ये वर्किंग पॉपुलेशन होती है और इंडिपेंडेंट
पॉपुलेशन होती है किस पर डिपेंड नहीं होते, ये खुद वर्क करते हैं और खुद डेवलपमेंट करते हैं अपनी और अपने कंट्री की। अगर कंट्री के में 50 to 59 ईयर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा रहेंगी तो उस कंट्री के डेवलपमेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो रहती है वहाँ पर कम रहती है। इन पर डिपेंडेंट होने वाली जो पॉपुलेशन है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, उनका परसेंटेज कम होता है। नंबर 3, द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बिकम स्मॉलर देन द वर्किंग पॉपुलेशन। तो जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है जो पूरी तरह से डिपेंड करती है वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर, तो उनका नंबर जो है वो कम हो जाता है वर्किंग पॉपुलेशन पर डिपेंड करने का। फॉर एग्जाम्पल जो चाइल्ड पॉपुलेशन है देन जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उनके नंबर्स जो है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन के वो रिड्यूस हो जाते हैं वर्किंग पॉपुलेशन अगर ज्यादा है कंट्री के। नंबर 4, द हाइयर द रेशियो हाइयर विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द इकोनॉमी। तो जितना वर्किंग पॉपुलेशन का रेशियो ज्यादा रहेगा उतना ही कंट्रीब्यूशन जो है वर्किंग पॉपुलेशन का अपनी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ज्यादा होता है। नंबर 5, विथ फीवर पीपल टू सपोर्ट एंड मोर पीपल वर्किंग इकोनॉमीज रिसोर्सेज आर इन्वेस्टेड इन अदर एरियाज टू एक्सेलरेट ए कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर सपोर्ट जो है जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है और वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो कंट्री के रिसोर्सेज होती है जो रिसोर्सेज है उसे अलग सेक्टर में भी डिफरेंट सेक्टर में भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है कंट्री, और अदर सेक्टर को भी फिर वो डेवलप कर सकती है, उनको भी डेवलपमेंट में एक एक्सेलरेट मिल जाता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस बहुत कम रहेंगे, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम रहेंगी, एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन ये भी बहुत ही लेस हो जाते हैं अगर चाइल्ड पॉपुलेशन कम हो कंट्री के। तो ये जो एक्सपेंसेस एजुकेशन और हेल्थ पे होने वाले थे तो ये किसी दूसरे सेक्टर में उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और भी ज़्यादा हम डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो। नंबर 6, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस। तो इसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम होती है कंट्री की वो इंक्रीज हो जाती है। नंबर 7, पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीजेस बिकॉज डिपेंडेंसी रेशियो इज डिक्रीज। तो पर कैपिटा जीडीपी जो है ये भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि डिपेंडेंसी रेशियो जो है यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। नंबर 8, दिस इकोनॉमिक बेनिफिट इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड विच बेनिफिट्स एवरीवन इन द इकोनॉमी। और ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है ये हमें फॉर्म में मिलता है डिविडेंड फॉर्म में मिलता है और जो सबको बेनिफिट देता है कंट्री के इकोनॉमी के अंदर। नंबर 16, माइग्रेशन इज नॉट ऑलवेज परमानेंट। तो माइग्रेशन जो है हमेशा परमानेंट नहीं रहती है, उसका रीजन देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, मोस्ट ऑफ द टाइम माइग्रेटेड पर्सन रिटर्न टू द ओरिजिनल प्लेस आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम अचीविंग देयर इंटेंशन और पर्पस, इट इज नॉट परमानेंट माइग्रेशन। तो बहुत सारे टाइम जो है जो माइग्रेशन कर लोग चले जाते हैं तो कुछ सालों बाद या कुछ अरसे बाद जो वापस अपने ओरिजिनल प्लेस पर वो लौट आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग जो है वो एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हैं और एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से वो इंडिया में वापस आ जाते हैं और इंडिया में ही सेटल हो जाते हैं। तो इस तरह से माइग्रेशन जो है हमेशा परमानेंट नहीं रहती है, वो वापस भी माइग्रेशन करके लोग जो है बाहर जाने वाले वो रिटर्न आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मेडिकल वर्कर ट्रेवलर्स आर माइग्रेटेड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड कम बैक देयर ओरिजिनल प्लेस। नंबर 3, शॉर्ट टर्म माइग्रेशन कैन बी फॉर लिमिटेड टाइम और सीजन। तो शॉर्ट टर्म माइग्रेशन जो होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए की जाती है या एक पर्टिकुलर सीजन में माइग्रेशन की जाती है। नंबर 4, सम ट्राइब्स ट्रैवल सीजनली इन सर्च ऑफ फॉडर्स। तो जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो सीजनली माइग्रेशन करते हैं इन सर्च ऑफ फॉडर। नंबर 5, Another example of seasonal migration is seen in some places in
महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अंदर भी हमें सीजनल माइग्रेशन के एग्जाम्पल हमें दिखाई देते हैं। मोर लेबर इज नीडेड ड्यूरिंग शुगर केन हार्वेस्टिंग इन महाराष्ट्र। द शुगर केन लेबर्स वर्क इन शुगर केन फील्ड्स। व्हेन देयर इज नो वर्क ऑन द फार्म दे गो टू द सिटी एंड वर्क एज ए सिटी लेबर्स। तो इस तरह से महाराष्ट्र में भी सीजनली माइग्रेशन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्रीकल्चरल फील्ड में वर्कर जो होते हैं, लेबर्स होते हैं शुगर केन हार्वेस्टिंग के अंदर, तो जब वहाँ पर कोई वर्क नहीं होता है एग्रीकल्चरल फील्ड में, तो वही लोग फिर सिटी में चले जाते हैं और वहाँ पर लेबर का वर्क करते हैं सिटी के अंदर। और फिर जब हार्वेस्टिंग का सीजन आता है, फिर से वो अपने विलेज में आ जाते हैं और फिर शुगर केन हार्वेस्टिंग में लग जाते हैं। हेंस वी कैन से डैट माइग्रेशन इज नॉट ऑलवेज परमानेंट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि माइग्रेशन जो है हमेशा परमानेंट नहीं होती है। नंबर 17, नॉट ऑल रूरल सेटलमेंट्स चेंज इनटू अर्बन सेटलमेंट्स। हर रूरल सेटलमेंट जो है वो अर्बन सेटलमेंट में चेंज नहीं होता है। तो ये एक तरह की डेवलपमेंट होती है। बहुत सारे रूरल सेटलमेंट जो है वो धीरे धीरे उनका साइज और उनकी पॉपुलेशन बढ़ते हुए कन्वर्ट हो जाते हैं अर्बन सेटलमेंट में, बट हर सेटलमेंट जो होती है रूरल सेटलमेंट वो अर्बन सेटलमेंट नहीं बनती है। उसके रीजन देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, रूरल एरियाज कनेक्टेड टू अर्बन सेटलमेंट्स समटाइम्स टर्न इनटू सिटीज। तो जो रूरल एरिया होते हैं अर्बन ये सेटलमेंट से कनेक्टेड उसके सराउंडिंग एरिया के, वो कभी कभी जो है वो सिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। नंबर 2, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी विलेज टू बी एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स दैट आर नेसेसरी टू टर्न रूरल सेटलमेंट्स इनटू अर्बन सेटलमेंट्स। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि उस विलेज के अंदर वो एबिलिटी हो और वो रिक्वायरमेंट्स हो जो एक रूरल सेटलमेंट से अर्बन सेटलमेंट में चेंज होने के लिए वो सारी नेसेसिटी उसके अंदर मौजूद नहीं होती है उस रूरल सेटलमेंट के अंदर। नंबर 3, रूरल एरियाज हुज पॉपुलेशन एंड डेंसिटी आर नॉट हाई, मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस विलेजेस कैरी आउट प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ऐसे विलेजेस, ऐसे रूरल एरियाज जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम होती है और बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इंगेज रहती है। हेंस देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन डू नॉट चेंज, जिसकी वजह से प्राइमरी एक्टिविटीज से जुड़े होने की वजह से उनकी जो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन है वो चेंज नहीं हो पाती है। एंड देयर फॉर द सेटलमेंट्स रिमेन एज द रूरल एरिया डू नॉट चेंज इन द अर्बन एरियाज। ये सारे रीजंस की वजह से बहुत सारे रूरल सेटलमेंट्स अर्बन सेटलमेंट में कन्वर्ट चेंज नहीं हो पाते हैं। नंबर 18, इन रूरल सेटलमेंट्स लैंड यूज इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो जो रूरल सेटलमेंट है उसका जो लैंड यूज है वो ज्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। उसके रीजन देखेंगे हम। ये ऑलरेडी पहले भी आ चुका है। नंबर 1, देर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है रूरल सेटलमेंट में और अर्बन सेटलमेंट में, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। दोनों में बहुत सारे हमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। नंबर 2, मोस्ट ऑफ द पीपल इन रूरल एरियाज डू प्राइमरी एक्टिविटीज। तो रूरल एरिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज होती है, लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग। इन अर्बन सेटलमेंट्स पीपल परफॉर्म मोस्टली सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज। और अर्बन सेटलमेंट्स के ज़्यादातर पॉपुलेशन सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में इंगेज्ड होती है। नंबर 3, द रूरल पॉपुलेशन इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और रूरल पॉपुलेशन जो है लार्जली डिपेंड करती है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी फॉर देम। और ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, और एग्रीकल्चर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका एक एक्टिविटी होती है, एक ऑक्यूपेशन होता है। सो द यूज़ ऑफ लैंड हियर इज लिंक्ड टू एग्रीकल्चर। तो ज़्यादातर जो भी लैंड यूज होते हैं वो सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से
लिंक होती है उनकी। नंबर फोर, इट इंक्लूड्स नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, बैरन एंड वेस्ट लैंड्स, पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स, फॉरेस्ट एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड्स एंड एंड मोस्ट ऑफ इट्स इट इज अटैच टू एग्रीकल्चरल लैंड। तो जितने भी लैंड यूजेज है रूरल सेटलमेंट्स के, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज हो, बैरन एंड वेस्ट लैंड्स हो, पास्चर ग्रेजिंग लैंड, ये सब ज़्यादातर जो है अटैच होते हैं एग्रीकल्चरल लैंड से। तो इसलिए लैंड यूज जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है रूरल सेटलमेंट का। नंबर 19, रूरल अर्बन फ्रिंज हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स। तो जो रूरल अर्बन फ्रिंज के एरियाज होते हैं, जो रीजन्स होते हैं, इनमें अर्बन सेटलमेंट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं वहाँ पर, और रूरल सेटलमेंट के कैरेक्टर्स दोनों एक साथ उस रीजन के अंदर हमें दिखाई देते हैं। उसका रीजन देखेंगे हम अभी। पॉइंट नंबर 1, द एरिया बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया इज कॉल्ड अर्बन रूरल फ्रिंज। तो ऐसे एरिया जो अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट के बीच में हो, उनके मिडल में आता हो, तो ऐसे एरिया को कहा जाता है अर्बन रूरल फ्रिंज, इन्हें कहा जाता है, या रूरल अर्बन फ्रिंज इन्हें कहा जाता है। नंबर 2, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज। क्योंकि ये अर्बन और रूरल एरिया के बिटवीन होने की वजह से इनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, अर्बन सेटलमेंट के भी और रूरल एरियाज के भी। नंबर 3, इट इज नॉट ए सेपरेट जोन एज सच, बट इज ए ट्रांजिशन बिटवीन द टू एंड मर्जेस इनटू बोथ ऑफ देम। और ये जो जोन होता है ये कोई एक सेपरेट जोन नहीं होता है, बल्कि एक ट्रांजिशन जोन होता है, ट्रांजिशन होता है बिटवीन द टू एंड मर्ज इनटू बोथ ऑफ देम, और दोनों में मर्ज हो जाता है जाकर ये एरिया, अर्बन सेटलमेंट में भी मर्ज हो जाता है और रूरल सेटलमेंट में भी जाकर ये मर्ज हो जाता है वहां पर। नंबर 4, पीपल यूजिंग ऑटोमोबाइल्स मेक देयर डेली ट्रिप्स टू परफॉर्म देयर जॉब्स फ्रॉम दिस एरिया टू इट्स सेंट्रल एरिया वेयर देयर ऑफिसेस एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आर जनरली लोकेटेड। तो ज़्यादातर रूरल अर्बन फ्रिंज एरिया की जो पॉपुलेशन रहती है वो ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स का यूज़ करते हैं, सिटी ट्रांसपोर्टेशन बस का यूज़ करते हैं, बाइक्स का यूज़ करते हैं, और अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए थ्रू ऑटोमोबाइल्स वो सिटी एरिया में आते हैं, सेंट्रल प्लेस में आते हैं सिटी के, और वहाँ पर जॉब परफॉर्म करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, एजुकेशन वहाँ पर अक्वायर करते हैं। तो इस तरह से ये डेली अप डाउन करते हैं सिटी एरिया के अंदर फ्रॉम ऑटोमोबाइल। नंबर 5, द टर्म रूरल अर्बन फ्रिंज हैज बीन यूज टू डेजिग्नेट सच एरियाज वेयर वी हैव मिक्सचर ऑफ रूरल एंड अर्बन लैंड यूज। तो यहाँ पर ये जो टर्म है रूरल एंड अर्बन फ्रिंज, ऐसी जगह पर यूज किया जाता है जहाँ पर अर्बन एंड रूरल लैंड यूज का मिक्सचर पाया जाता हो, दोनों का मिक्स हमें एक साथ दिखाई देता है। नंबर 6, द सिटी एंड सराउंडिंग एरियाज कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ टू टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, द म्युनिसिपल काउंसिल एंड ग्राम पंचायत। तो ये जो सिटी का ये सराउंडिंग के एरियाज होते हैं, ये दोनों तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। द म्युनिसिपल काउंसिल रिलेटेड होता है अर्बन एरिया से, या कि भी वहाँ पर काउंसिल हमें दिखाई देती है, और ग्राम पंचायत भी यहाँ पर हमें उस रीजन के अंदर जो रूरल सेटलमेंट में आती है, ये भी हम उस रीजन में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दो तरह के वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, अर्बन एंड रूरल। तो इस तरह से रूरल अर्बन फ्रिंज हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स। नंबर 20, ग्रोथ ऑफ अर्बन एरिया इज लिंक्ड टू लैंड यूज। जो ग्रोथ ऑफ अर्बन एरिया होती है वो लिंक होती है लैंड यूज से, तो उसका रीजन देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, अर्बन एरियाज जनरली कैरी आउट मोर देन वन फंक्शन एज दे ग्रो। तो अर्बन एरिया में बहुत सारे फंक्शन जो है वो कैरी आउट किए जाते हैं, एक से ज्यादा फंक्शन जो है वहां पर परफॉर्म किए जाते हैं, और वो भी और ज्यादा ग्रो होते जाते हैं। जैसे जैसे फंक्शन ग्रो होते हैं अर्बन एरियाज भी ग्रो होता जाता है। नंबर 2,
एज टाउन्स बिकम सिटीज एंड सिटी बिकम्स मेट्रो सिटी विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन ए सिटी इंक्रीजेस। तो जैसे टाउन्स जो है ये ग्रो होकर सिटी में कन्वर्ट हो जाती है, सिटी ग्रो होकर मेगा सिटी, लार्ज सिटी, और सिटीज जो है वो आगे चलकर मेट्रो सिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इससे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है अर्बन एरियाज की, सिटी की, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी भी उसकी बढ़ते जाते हैं, उसके फंक्शन भी जो है अलग अलग तरह के फंक्शन उसमें परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे जिस तरह से सिटी इंक्रीज होते जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी भी उसकी इंक्रीज होती है। नंबर थ्री, इन अर्बन एरियाज लैंड यूज रिवॉल्व्स अराउंड रेजिडेंशियल एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अर्बन एरियाज का जो ज़्यादातर लैंड यूज जो है वो रेजिडेंशियल एरिया के तौर पर यूज होता है और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तौर पर भी यूज वहां पर होता है। नंबर फोर, एज मोर लैंड इज यूज फॉर इंडस्ट्रीज, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉमर्स, द अर्बन एरिया ग्रोज अकॉर्डिंगली। तो अर्बन सेटलमेंट्स का ज्यादातर एरिया जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है, रिक्रिएशन, फॉर एग्जाम्पल पार्क, थिएटर एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉमर्स सेक्टर्स के लिए यूज होता है, जैसे जैसे अर्बन एरियाज की ग्रोथ और ज्यादा होते जाती है। नंबर फाइव, द लैंड विच आर लोकेटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ अर्बन एरियाज आर डेवलप्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, दिस लैंड इंक्रोच द एग्रीकल्चरल लैंड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो जो अर्बन एरियाज के सराउंडिंग एरियाज रहते हैं, जो पेरिपेरी एरिया होते हैं आउटसाइड द अर्बन एरियाज, ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए उन्हें अक्वायर किया जाता है, और ये जो लैंड्स होते हैं, देश लैंड इंकोरेज द एग्रीकल्चरल लैंड, उन्हें ऑक्यूपाई किया जाता है एग्रीकल्चरल लैंड के लैंड से, उन्हें कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है। पहले वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड के लिए वो फील्ड यूज की जाती थी, बट पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो जाती है अर्बन एरियाज की, उस एग्रीकल्चरल लैंड को इंकरेज कर उसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, रेजिडेंशियल एरिया के तौर पर यूज किया जाता है, देन इंडस्ट्रीज के लिए भी उस एग्रीकल्चरल लैंड को जो है वो इंकरेज करके वहाँ पर इंडस्ट्रीज बनाई जाती है। तो इस तरह से जैसे जैसे पॉपुलेशन का इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे लैंड पर प्रेशर बढ़ता जाता है, और सराउंडिंग के जो रूरल एरियाज के लैंड होते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड होते हैं, उनको भी अर्बन सेंटर में जो है वो मर्ज कर लिया जाता है। नंबर सिक्स, हेंस वी कैन से दैट ग्रोथ ऑफ अर्बन एरियाज इज लिंक टू लैंड यूज। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ अर्बन एरिया जो है ये लिंक होता है लैंड यूज के लिए। जितना ज़्यादा हम रेजिडेंशियल यूज के लिए लैंड यूज करेंगे, देन इंडस्ट्री सेक्टर के लिए लैंड का यूज करेंगे, उतनी ज़्यादा ग्रोथ जो है अर्बन एरियाज की होती जाती है, कॉमर्स सेक्टर। तो इस तरह से यहाँ पर इस वीडियो जो है हमारा आज का ये एंड हुआ है, जिसमें हमने ज्योग्राफिकल रीजन फ्रॉम 11 टू 20 यहाँ पर कंप्लीट की है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रिमेनिंग रीजन्स है फ्रॉम 21 टू 30 मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू।